की सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम खराब हो जाता है, ये प्रपंच इनको समाप्त करना चाहिए। माताओं बहनों ने और अच्छा मतदान किया है और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि प्रो इनकम्बेंसी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए थी, जो विष्णुदेव जी की सरकार के लिए थी, उस आधार पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की 11 सीटें आने वाली। सर, अमरिंदर सिंह राजा कह रहे हैं कि मुझे पुलवामा पर अभी भी रहस्य और कहानी है, लेकिन चुनाव के समय बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देश के जवानों के शौर्य को इस तरह कलंकित करने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई। मुझे हद है, मैंने इस बात का आश्चर्य है जिसके लिए इमरान खान ने कह दिया कि वो बहुत भयानक था, उसको ये प्रश्न उठाते हैं, मतलब ये तो आश्चर्य का विषय है। सर, सोनिया गांधी जी लगातार युवाओं की बेरोजगारी पर सवाल उठा रही है, कह रही कि राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया गया। नहीं, जो नफरत उन्होंने आज तक बढ़ा कर रखा था उस नफरत को खत्म किया जाएगा। भारत में सारे जनमानस के लिए एक साथ सबका विकास इस भाव के साथ काम किया जाएगा। और बेरोजगारी का विषय है, 50-60 साल की सरकारें उन्होंने चलाई हैं, उस पर थोड़ा गणना कर लेंगे, अभी स्थिति अच्छी है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सर कि हमें गांधी वाला भारत चाहिए, मोदी वाला भारत चाहिए। नहीं नहीं, मोदी जी को भी गांधी जी वाला भारत चाहिए ना, उसमें किसी को संशय थोड़े ना है, इसमें किसी को कोई क्लैश नहीं है, मैं सोचता हूँ कोई टकराहट नहीं है। हम खुद गांधी जी वाला भारत चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं जैसे गांधी जी का भाव था वैसा ही भारत बनना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर दोबारा सवाल उठाया है। जब उनकी सरकार बनती है तो उनको समझ में आता है कि ईवीएम ठीक हो गया है, जब उनकी सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम खराब हो जाता है, ये प्रपंच उनको समाप्त करना चाहिए। भारत के चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए जिस पर पूरी दुनिया ने विश्वास किया है, अब भी नहीं करेंगे तो देश की जनता के साथ धोखा है उनका। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि राज्य में बीजेपी सरकार के समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने आज समर्थन वापस ले लिया है और इस तरह की स्थिति हो रही है, कांग्रेस को समर्थन देने में कांग्रेस इस तरह की स्थिति लगातार हो रही है कि जो भाजपा समर्थन दे रहे थे वो वापस ले लिए हैं हरियाणा के ठीक है। जो भी स्थिति होगी वहाँ पर उसका आकलन किया जाएगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पूरी इच्छा शक्ति के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी है, उसमें कोई हमको आधा अधूरा कोई विषय चाहिए नहीं होता है और इसलिए थोड़ा उसमें समय देना चाहिए, क्या हो रहा है इसका आकलन करना चाहिए। कांग्रेस के पास भी अगर तीन विधायकों की बात वो कर रहे हैं, अगर ये 3 की संख्या उनके साथ भी आती है तो बहुमत थोड़े ना होता है, तो जब बहुमत नहीं हो रहा है तो क्या होने वाला है, स्पष्टता थोड़े समय में हो जाएगी।